आपके मल्टीपल काउंसलर्स जो हैं वो एक ही डायग्नोसिस की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, तो डज दैट नॉट मीन के बात ठीक है? देखिए, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिन फंक्शनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, और जो आपके साइकाइट्रिस्ट हैं ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ही इज़ अ वेरी केपेबल साइकाइट्रिस्ट। थिंग इज़ कि आपकी बीमारी थोड़ी सी जो है बीच में उबाले आ रहे हैं बीमारी के, जो आपको ये कहती है, ये डिनाइल या ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ले आती है बीच में कि सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, थर्ड ओपिनियन लेते हैं। वाई? बिकॉज मसला ये है कि अपनी मनमानियाँ हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत करना चाह रहे होते हैं। साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स, एडिक्शन की बीमारी, इसमें ये मसला होता है ना, दिस इज़ द रीज़न थिंग कि हम अपनी मनमानियाँ करना चाह रहे होते हैं किसी भी पॉइंट पे। अब चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो हमारे स्टैंड्स हो, चाहे वो हम कहाँ बैठ रहे हैं कहाँ नहीं बैठ रहे, बात माननी है छोटी सी या नहीं माननी, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें वी वॉन्ट समथिंग इन आर प्लेट एज वेल। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसमें ही हैज़ टू लिसन, बातें माननी पड़ेंगी। ट्रीटमेंट सर्विस प्रोवाइडर की आपको बातें माननी पड़ती हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उनसे हेल्प लेते हैं, तो फिर वो जो आपको कहते हैं वो आप करते हैं, चाहे वो कड़वी से कड़वी दवाई क्यों ना हो। इफ़ दे से यू नीड एन इंजेक्शन, यू शुड गेट इट, इवन दो इट विल हर्ट, लेकिन वो आपकी बेहतरी में बात करें। वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि आपको हर्ट करेगी मज़ीद, और तभी तो आप उनसे हेल्प लेने जा रहे हैं ना। और वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगी कि जब ऐसे फैमिली में, यानी कि ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपने लिए अभी फैसले नहीं ले सकते, यानी कि सोचने समझने की सलाहियत माउफ है, फैसला लेने की सलाहियत माउफ है, फैसले उनके इन्वॉल्व करते हैं, पुअर डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं, स्प्लर्ज कर देना पैसे, गलत जगहों पे इन्वेस्ट कर देना, ड्रग्स पे लगा देना, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें फैमिली का पूरा पूरा हक है कि वो इंटरवीन करें। अब उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो इंटरवेंशन गुस्से वाली हो, तंज ताने वाली हो, डांट डबट हो, लॉकअप करना हो, पुलिसिंग करना हो, नहीं। इंटरवेंशन करनी है तो इंटरवेंशन का मतलब ही है ना मुदाखलत बराए इसलाह, कि आराम से तरीके से मूव टूवर्ड्स द राइट चैनल। खुद मैनेज नहीं हो रही चीज़ें तो प्रोफेशनल के पास आ जाएं, प्रोफेशनल आपको इसमें हेल्प कर देगा। अगर तो चीज़ें खुद मैनेज हो सकती हैं तो फिर हमारा तो हमारे यहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं है ना। हम खड़े होके जो इतनी देर बात करते हैं, देन देर इज़ नो पॉइंट इन दिस, देर वॉज नो नीड ऑफ दिस, अगर तो हम सब खुद कर सकते होते। तो ये पेरेंट्स का भी एक डिनाइल ज़रूर होता है इस चीज़ में कि दे कैन डू एवरीथिंग देमसेल्व्स। आई पर्सनली हैव टू डील विद अ क्लाइंट इस तरह के, जिन्होंने ये देखा कि उनका बच्चा थोड़ा सा शायद ड्राउजी हो रहा है, तो उन्होंने पेशेंट की दवाई खुद ही बंद कर दी। अब वो पेशेंट थे मूड डिसऑर्डर के, दवाई बंद की तो मूड्स उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। मूड्स को मैनेज करने के लिए उनके दिमाग के पास एक ही सलूशन था, जो था नशा, और उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया अपने मूड को ठीक करने के लिए। बट ऑफकोर्स क्योंकि एडिक्शन आ चुकी है तो मूड उससे भी ठीक नहीं होता, वो और ख़राब होना शुरू हो गया, इवेंचुअली हेल्प लेनी पड़ी। तो बात यह है कि हमें एज पेरेंट्स अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं भूलना। एज फैमिली मेम्बर्स रिकवरी में आप लोगों का काम ये है कि जो ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो आप पर भी लागू होते हैं, वो सिर्फ पेशेंट पर लागू नहीं होते। प्लीज़ डोंट थिंक दिस के पेशेंट जो है वो खुद ही सब कुछ ठीक कर ले, हमने बीच में इन्वॉल्व नहीं होना, हमने नीचे ग्रुप्स में नहीं आना, हम सेशंस में आएंगे जस्ट विद द इंटेंट ऑफ मीटिंग आवर पेशेंट, सिर्फ मिलने आएंगे, उसके अलावा हमने और कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है, आप लोगों का भी तो बहुत रोल है इस चीज़ में। बार बार जगह जगह जहाँ ख़राबी हो रही है या जहाँ पेशेंट थोड़े से कन्नी खाने लगा है तो इंटरवीन करना ताकि वो सीधे रास्ते पे आ जाए। तमाम साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, जितने भी साइकाइट्रिक डिजीज़ेस हैं अदा, वो सारे प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव होता है। अगर बर वक्त इलाज ना कराएं तो दे कॉज प्रॉब्लम्स। स्किज़ोफ्रेनिया को देख लें, अगर उसका टाइमली इलाज ना कराएं तो पीपल गो ऑन मर्डरिंग स्प्री या दे कमिट सुसाइड। डिप्रेशन को देख लें, एंग्जाइटी को देख लें, ओसीडी को देख लें, इस हद तक कंपल्सिव नेचर हो जाती है हमारी कि वी कांट फंक्शन, एक जगह से आगे मूव नहीं कर सकते क्योंकि हमें चेकिंग कंपल्शन चल रही होती है। तो जितनी भी साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा भी डायबिटीज़ जो है वो भी एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। तो जितनी भी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव प्राइमरी डिजीज़ होती हैं उनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ही ज़रूरी होता है, और उसमें
अपनी मर्जियां करने का दिल बहुत करता है, लेकिन फैमिलीज आहिस्ता आहिस्ता ट्यून हो जाती हैं इस चीज़ से कि अब हमने ये नहीं करना। जहाँ पे पहले मरीज के पीछे पीछे चल रहे थे, अब हम आ गए तो मरीज हमारे पीछे पीछे चल रहे, ऐसे ही है। ये बात ज़रा पेशेंट्स इतने आराम से हैंडल नहीं कर पाते, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी चलाई है ना। देखिए रोल रिवर्सल की जो बात हो रही है यहाँ पे कि वालदैन और बच्चे बराबर नहीं होते, तो जहाँ कभी वालदैन ये कहते थे अपने बच्चों को कि अभी यहाँ पे आपका खड़े होना मुनासिब नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट बात चल रही है तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएँ, तो वही बच्चे माँ बाप को कह रहे होते हैं कि अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का, मेरे कमरे से जाएँ, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक राइट नाउ, प्लीज़ लीव मी अलोन। तो ये रोल रिवर्सल है कि नहीं है, कि जहाँ पे वालदैन को कुछ ऐसी बातें कहनी चाहिए थी तरीके से, वो अब उनका बच्चा उनको कह रहा है और बहुत ही ख़राब तरीके से बिकॉज ऑफ द डिज़ीज़। तो क्या कोई ऐसे पेरेंट्स यहाँ पे गुजरे हैं इस तरह के रोल रिवर्सल से, कि जहाँ पहले उनकी बचपन में कहीं ना कहीं चलती होती थी फॉर अ लैक ऑफ बेटर टर्म्स, और करते कराते रोल रिवर्सल हो गए, उल्टी गंगा बहना शुरू होगी जिसमें बच्चा ड्राइविंग सीट पे है, फैमिली पीछे है, बच्चा जहाँ गाड़ी मोड़ना चाह रहा है वहाँ फैमिली साथ साथ जा रही है उसके। हम जब ये बात करते हैं ना कि पेरेंट्स हैव मोर राइट ओवर द चिल्ड्रन, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप लोगों के कोई राइट्स नहीं है। कुछ कुछ जगहों पे ज़रूरी होता है माँ बाप को फॉलो करना, माँ बाप का तजर्बा, उनकी नॉलेज, तमाम चीज़ें आपसे ज़्यादा हैं, और माँ बाप के लिए भी ये चीज़ है कि अपने आप को अपडेट करते रहा करें विद द न्यूअर नॉलेज, ताकि यू आर ऑलवेज 2-3 स्टेप्स अहेड अपने पेशेंट के, अपने लव्ड वन के, या पहले ही थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकें कि क्या चीज़ हो रही है या होने वाली है, तो उसके मुताबिक जो है फैसला ले लिया जाए, और ओपिनियंस लें, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर पेरेंट्स के पास ही रहती है। इस बात को सबसे पहले तस्लीम करें कि बीमार हैं, अपने लिए फ़िलहाल फ़ैसले नहीं ले सकते, अभी हमें सरेंडर करना है, दूसरों की बातें माननी है, अब चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फैमिली में बच्चे भी हो सकते हैं जिनको सिखाया जा रहा है कि क्या करना है, तो मसला तो अंदर है ना, उसको रिजॉल्व करना है, बजाय कि हम अपनी एनर्जीज़ ऐसी जगह पर लगाएँ जहाँ पर हल नहीं निकलने वाला, एनर्जीज़ को वहाँ पर लगाएँ जहाँ हल निकलेगा, और वो क्या है कि आप इलाज बीमारी उसको सीखें, उसको समझें, करने वाले काम क्या हैं उसको समझें, टफ लव प्रिंसिपल्स जो हम बताते हैं उसको अपनाना शुरू करें, इससे जो हम कंफ्यूज रहते हैं सारा टाइम कि क्या करना है तो क्या नहीं करना, या हम हॉट एंड कोल्ड रहते हैं कि एक तरफ इनेबलिंग चल रही है एक तरफ प्रोवोकिंग चल रही है, उससे एक हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि कैसे चलना है, और बच्चा राय रास्ते पर आना शुरू हो जाता है, आपका लव्ड वन ठीक रास्ते पर चलना शुरू करता है।